हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, आज का वीडियो जो है कि है घर से बाहर निकलने में डर लगता है। भाई साहब फ़ोन किए हुए थे, उनका समस्या ये था कि उनको घर से बाहर निकलने में डर। अब घर से बाहर निकलने का मतलब क्या? डर क्या लग रहा है? डर लग रहा है, उनको घबराहट हो रहा है, चिंता परेशानी हो रहा है। कहाँ पर लग रहा है? ये माइंड में लग रहा है। ठीक, ये मान लेते हैं माइंड है मनुष्य का, तो ये माइंड में जो है कि लग रहा है। तो ये माइंड में जो है कि सब लोगों को डर नहीं लग रहा है, लेकिन उनको जो है क्या घर से 13 साल से समस्या है, लेकिन घर से जैसे ही बाहर जाते हैं तो उनको जो है कि पसीना छूटने लगता है, घबराहट होने लगता है, बेचैनी होने लगता है, अलग तरह का मतलब कि कहीं कुछ मेरे साथ हो जाएगा, कहीं जो है कि कैसे फिर लोग हमको उठा के ले जाएंगे, फिर कुछ हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई मेरे साथ कुछ बुरा कर देगा। ये सब डर उनको सताना चालू कर देता है। और जो जाते हैं बाहर ना, मन के अंदर ओवर थिंकिंग चलते रहता है, मतलब कि ये जो काम के लिए गए हैं, जिस काम के लिए, उस पर ध्यान ही नहीं बन पाता है और फोकस ही नहीं, कोई खुशी ही नहीं, कोई मतलब अंदर से जो है कि ओवर थिंकिंग विचार माइंड में चलते रहते हैं। एक पे एक विचार, जो एक ख़त्म हुए दूसरे विचार, दूसरा डर, दूसरा तीसरा डर चलते रहते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि उनका जो है दिमाग में जो है कि डर जो है कि पूरा तरीके से जो है कि घर बना लेता है, और उसके वजह से काम में फोकस ही नहीं पाता है, उसके वजह से पसीना चालू हो जाता है, या जो है कि मतलब सांसों जो है कि तेज़ चलने लगता है उनका। और इससे क्या होता है कि वो जल्दी घर भागने के चलते वो चाहते हैं कि घर आ जाए जल्दी से, घर आते हैं तो तब तो थोड़ा अच्छा रिलैक्स फील करते, घर से बाहर नहीं निकल, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो डर क्या है, ये जो है कि क्या हुआ है बाहर को लेकर के, ये बाहर को लेकर के माइंड के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसको कि प्रोग्रामिंग मान लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम ये माइंड के अंदर जो है ना बाहर जाने को लेकर के प्रोग्राम हो गया हुआ है। किसी की बातों को सुन लिया कि बाहर जाएंगे कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, उसी बात को सच मान लिया, दूसरे की बातों को सच मानने की वजह से क्या होगा कि डरने लगते हैं, कोई कुछ बोल दिया, किसी को कुछ पेपर में पढ़ लिया, कुछ भी धारणा है कि बाहर निकलने के बाद ये हो जाता है, नुकसान हो जाता है, वो बाहर गया था उनके साथ कुछ हो गया था, तो ये चीज़ से क्या होता है वो डरते रहते हैं। अब बात आता है कि ना ये सब कहाँ पर है, माइंड के अंदर जो है ना घर से बाहर निकलने का जो है, घर से बाहर जाने को लेके प्रोग्राम हो गया है माइंड के अंदर, कि जैसे ही बाहर निकलने का आता है ये प्रोग्राम में बैठ गया है कि कुछ नुकसान हो जाएगा, डर वाले समस्या बैठ गया है मन में। तो क्या करना होगा, इस प्रोग्राम को चेंज करना होगा, जो मन के अंदर जो एक प्रोग्राम बन गया है, एक पैटर्न बन गया है, बार बार जो है कि एक लूप बन गया है। जैसे हम लोगों को प्रोग्राम बन जाता है कि खाने के लेकर के, खाना खाएंगे तो पेट भरेगा प्रोग्राम, पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी, ये क्या प्रोग्राम बना हुआ है। जैसे ये बोर्ड का मतलब क्या, बोर्ड के लिए प्रोग्राम बन गया है कि ये बोर्ड जो है हम लोगों का क्या कि मतलब इस ये बोर्ड लिखने का काम आएगा, इस पर लिखेंगे। तो यही समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग के माइंड में हर एक चीज़ का प्रोग्राम बनता है। तो ये जो है ना घर से बाहर निकलने के जो है जो प्रोग्राम बन गया, ये गलत प्रोग्राम बन गया है कि घर से बाहर निकलने के बाद जो है कि नुकसान हो जाएगा, ये गलत प्रोग्राम बन गया है। क्या जो है कि अब इस प्रोग्राम को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए बोलना पड़ेगा क्या प्रूफ है जो है कि घर से बाहर निकलने के बाद सबका एक्सीडेंट हो जाता है, सबका नुकसान हो जाता है, सबके साथ बुरा हो जाता है। क्या ऐसा प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ नहीं है। क्या प्रूफ है कि घर से निकलते हैं तो सिर्फ जो है कि सबका एक्सीडेंट ही होता है? घर से तो कितने लोग निकलते हैं बाहर, आपके फैमिली मेंबर कितने जाते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखिए, बहुत लोग बाहर जाते हैं। क्या सबका एक्सीडेंट हो जाता है? क्या सबके साथ नुकसान हो जाता है, सबके साथ बुरा हो रहा है? किसी के साथ भी जो है कि देखेंगे बुरा नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि हाँ संभावनाएं बनी हुई रहती है। ठीक है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, लेकिन सब निकल रहे हैं। तो लाइफ का जो लाइफ में क्या होता है, आप जो है सिर्फ पकड़ लिए हुए हैं कि कुछ घटनाएं को, कोई चीज़ हुआ होगा जो उनके साथ तो उनके घटनाओं में हुआ होगा, लेकिन आप जो है कि मान लेते हैं कि नहीं, जो है कि सिर्फ कारण यही है कि घर से बाहर निकलेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मेरा कोई कुछ कर देगा, यही चीज़ जो है कि मन में चलने लगता है, इसी कारण से फंसे हुए रहते हैं। इस प्रोग्राम को चेंज करिए, लाइफ के अनुसार सोचिए।
लाइफ है कि जाना ही पड़ेगा बाहर, लाइफ है कि हर एक आदमी को बाहर जाना पड़ेगा, कभी सब्जी लाने के लिए, कभी कपड़ा खरीदने के लिए, कभी अपने कामों के लिए, कभी जो है कि अपने फैमिली मेम्बर को लेके जाना होगा, जाना ही पड़ेगा बाहर। हर एक का नियम है, लाइफ में लाइफ है तो आपको जाना ही पड़ेगा। जाना जाएंगे तो जो है कि ये जो आप डर पाल लिए हुए, तो ये यही डर जो है गलत आपके प्रोग्राम में बन गया है। तो अपने मन में जो है कि देखिए सब लोग जा रहे हैं, तो इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि मतलब जाने से जो एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लोग बहुत फैमिली मेंबर को भी ले जाते हैं, कहाँ कुछ होता है एक्सीडेंट, लेकिन जो है कि आप धारणाएं पाल लिए, किसी को साथ हो गया कुछ घटना, वो तो उसके घटना को लेकर के आप अपने दिमाग में पाल लिए, तो इसीलिए जो है कि ना आपको परेशानी होता है। तो अपने मन में ये बिलीव को तोड़ना है। कैसे बिलीव तोड़ेंगे आप? जाएंगे तो जैसे ही आप घर से निकलेंगे, आपका माइंड आपको निकलने नहीं देगा। क्यों नहीं निकलने देगा? क्योंकि ये प्रोग्राम जो आपका सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर बन गया हुआ है कि घर से बाहर निकलेंगे एक्सीडेंट हो जाए, नुकसान हो जाए, वो विचार आ जाएगा, वो हावी हो जाएगा। जैसे ही बोर्ड को देखने के बाद क्या आता है कि हमको जो है कि लिखने के लिए बोर्ड है, ठीक, ये मन में आया, काम इसका ये हुआ, उसी तरह से आपको विचार आने लगेगा कि घर से बाहर निकलेंगे नुकसान, तो उस घबराहट को सहना, उसको झूठा प्रूव करना होगा, आपको जो मन को बताना होगा नहीं ये चीज़ जो है कैसा नहीं, हम गलत मान लिए, सब कोई जाते हैं, किसी को भी जो है कि वो हम गलत धारणाएं बन ली, किसी के साथ कुछ हो गया तो मेरे साथ भी क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है, प्रयोग करके दिखाइए मन को, ठीक है हम देखते हैं, जा करके आते हैं देखते हैं क्या होता है, याद दिलाए कि हम पहले भी गए हुए थे, कहां मेरे साथ कुछ हुआ, तो फिर जो है कि आप धीरे धीरे क्या होगा वो घबराहट को सहन करेंगे, ठीक है। जैसे बाहर निकलेंगे घबराहट होगी, डर लगेगा, चिंता होगा, ये सब होगा, उसको समझना ही हमारे OCD का विचार है, मानसिक समस्या का विचार है, और ये जो है कि गलत प्रोग्रामिंग के वजह से हमें आ रहे हैं, तो फिर जो है कि वो घबराहट को सहना है, घबराहट को सहन करेंगे, बार बार सहन करना होगा इसको, जब 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 जाएंगे बाहर तब तक आपको घबराहट होगा, तब तक आपको जो है कि उस घबराहट को सहन करेंगे तो वो विचार झूठा प्रूफ होगा और आपका प्रोग्राम धीरे धीरे चेंज होने लगेगा, और फिर देखेंगे कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ, फिर जब आ जाएंगे घर तो फिर जो है कि आप जैसे घर से बाहर जाएंगे तो फिर घबराहट आएगा, क्योंकि प्रोग्राम जो है कि तगड़ा प्रोग्राम बना हुआ है, 12-13 साल से प्रोग्राम बना, प्रोग्राम को तोड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके धीरे धीरे जो है कि बाहर निकलेंगे, फिर घबराहट होगा, फिर सहेंगे, एक समय के बाद आपका ये मन बताने लगेगा अरे बाहर जाने से कुछ भी नहीं होता है, सब जाते हैं, फिर धीरे धीरे मन बदलने लगेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी संभव नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे आप रास्ता को फॉलो करेंगे तब जा करके जो है कि आपको रिजल्ट आएगा, रास्ता पर चल के रिजल्ट आएगा, बिना चले हुए नहीं आएगा, समझ रहे गाइज? तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे निकल जाएंगे, इससे निकलने लगेंगे बाहर, तो निकलने लगेंगे तो आप सब जगह अच्छे तरीके से जा पाएंगे, आपका लाइफ में अच्छा होता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, आप हर एक काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और धीरे धीरे जो है कि समस्याएं से बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर हमसे बात करके काउंसलिंग ले सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।